चलिए आज हीट एंड टेम्परेचर के कुछ अगले क्वेश्चन देखते हैं। 500 स्केल पे किसी वस्तु का तापमान 212 डिग्री फारेनहाइट है, तो सेल्सियस पैमाने पर उस वस्तु का तापमान क्या होगा? तो आप लोग इसका जो है वो फार्मूला से आप लोग निकाल लीजिएगा। आप लोगों को फार्मूला पता ही होगा, अगर नहीं भी होगा तो मैं बता देता हूँ। इसका जो फार्मूला होता है सी बट्टे 100 बराबर एफ माइनस 32 बट्टा 180। इस फार्मूले से आप इसका निकाल लीजिएगा। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 100 डिग्री सेल्सियस। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेल्सियस पैमाने का 100 डिग्री सी फारेनहाइट स्केल में कितने डिग्री के बराबर होगा? तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों आप लोग बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसको भी आप लोग फॉर्मूले से निकाल लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मानव शरीर का तापमान 98.6 फारेनहाइट होता है, सेल्सियस स्केल पे कितना होता है? तो आप लोगों को पता ही होगा 37 डिग्री सेल्सियस। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दिल्ली में जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है, तो मसूरी में जल का तापमान कितना होगा? तो मसूरी में जो जल का तापमान हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 100 डिग्री से कम। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? क्वेश्चन में देखा ही था 98.6 डिग्री फारेनहाइट होता है, तो यहाँ पर देख लेंगे 98 डिग्री फारेनहाइट है, तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तप्त जल के थैलों में जल का प्रयोग किया जाता है क्यों? यह सरलता से मिल जाता है, यह सस्ता है और हानिकारक नहीं है, इसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक है, जल को गर्म करना आसान है। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। धातु की चायदानियों में लकड़ी के हैंडल क्यों लगे होते हैं? तो क्यों लगे हुए दोस्तों? लकड़ी ऊष्मा की कुचालक होती है। जी बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। लकड़ी जो है ऊष्मा का कुचालक होती है। चलिए अगर आप लोगों को ऑप्शन मतलब अपने से बनाना हो तो वीडियो को पाउच कर लीजिएगा और उसके बाद बना लीजिएगा। मैं जल्दी आंसर दे रहा हूँ क्योंकि आप लोगों का टाइम ख़राब नहीं करना चाहता। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? तो जो है वो 4 डिग्री सी पर जो है पानी का घनत्व जो है वो अधिकतम होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जब बर्फ़ को 0 से 10 डिग्री सी तक गर्म किया जाता है तो जल की आयतन क्या होगी? तो क्या होगी दोस्तों? जैसे हम 4 डिग्री पे घनत्व अधिक होता है तो आयतन जो है वो कम होगा, या उसके बाद आयतन जो है बढ़ना चालू होगा। यानी कि 0 से 10 डिग्री तक गर्म करेंगे तो पहले जो है पहले कम होगी और उसके बाद बढ़ेगी। पहले जो कम होगी और उसके बाद जो है वो बढ़ेगी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। यदि जल को 10 डिग्री सी से 0 डिग्री ठंडा किया जाए तो क्या होगा? 10 डिग्री सी से 0 डिग्री सी तक ठंडा किया जाए तो क्या होगा? तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन, जल का आयतन 4 डिग्री सी तक तो कम होगा फिर बढ़ेगा। बिल्कुल सही है, 4 डिग्री सी तक जो है उसका आयतन जो है वो कम होगा और फिर बढ़ेगा। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। साइकिल के ट्यूब अधिकांश गर्मियों में क्यों फटते हैं? गर्मी के कारण ट्यूब फट जाता है, गर्मी के कारण रबर बहुत कमज़ोर हो जाता है, गर्मी के कारण रबर कड़ा हो जाता है और हवा को जगह देने के लिए फैलता है। बिल्कुल, इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। गर्मी के दिनों में जो है वो रबर जो है कड़ा हो जाता है, हवा को जगह देने के लिए फैलता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो इसकी लंबाई बढ़ जाती है, परंतु इसकी चौड़ाई क्या होती है? अप्रभावित रहती है, घटती है, बढ़ती है, अव्यवस्थित होती है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, अव्यवस्थित रहती है, होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक धातु के ठोस गेंद के अंदर कोटर है, जब इस धातु की गेंद को गर्म किया जाए तो कोटर का आयतन क्या होगा? तो जो कोटर का जो आयतन है दोस्तों वो बढ़ जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है। क्यों टूट जाती है? पानी जमने वो फैलता है,
बोतल हिमांक पर सिकुड़ती है, बोतल के बाहर का तापमान अंदर से ज़्यादा होता है, पानी गर्म करने पर फैलता है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पानी जो है जमने पर क्या होता है, फैलता है, इसलिए इसका ऑप्शन जो हो जाएगा ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी की पाइपलाइनें फट जाती है। बिल्कुल वही लॉजिक है जो पिछले क्वेश्चन में था, पाइप ठंड से सिकुड़ जाता है, पाइप में पानी जमने पर सिकुड़ जाता है, पाइप में पानी जमने पर फैलता है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पाइप में पानी जमने पर फैलता है, इसलिए पाइप फट जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दो रेल पटरियों के मध्य जोर पर एक छोटा सा स्थान क्यों छोड़ दिया जाता है? क्योंकि ऐसे स्थान छोड़ने से कुछ लागत बचती है, क्योंकि धातु गर्म करने पर फैलती है तथा ठंडी होने पर सिकुड़ती है। बिल्कुल जिसका ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गर्म करने पर क्या होती है, फैलती है, और ठंडा होने पर क्या होती है, संकुचित हो जाती है, इसलिए थोड़ा सा गैपिंग छोड़ दिया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।